बांस की मछली खाना पकाना। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। मछलीपुर नाम का एक गांव में गोपाल दास करके एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह पास ही एक नदी में जाकर मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था, लेकिन बूढ़े होने की वजह से वह ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। बस जो 3-4 मछलियां मिलते थे उन्हीं से काम चलाता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मछलियों का शिकार भी नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन वह बाजार में जा रहा था कि उसने एक आदमी को बांस का चिकन बेचते हुए देखा। आओ भाई लोग, आओ, स्वादिष्ट बांस का चिकन खाकर मजे लो, बिल्कुल फ्रेश और लाजवाब बैम्बू चिकन। वहाँ पर बहुत लोग थे और उसका बैम्बू चिकन खाने के लिए लाइन में लगे थे। उसको देखकर गोपाल दास को भी एक आइडिया आता है। मैं भी इसकी तरह बैम्बू फिश बनाकर बेचूंगा, उस तरह कुछ ज्यादा पैसे तो मिलेंगे। ऐसा गोपाल दास उसके घर के सामने ही बैम्बू फिश बनाने का चूल्हा का आयोजन करता है और शिकार करके लाए हुए मछलियों को बैम्बू में पकाने लगा। आओ भाई आओ, मेरा मजेदार बांस का मछली का मजा लो, ना तेल ना मसाले, सिर्फ स्वादिष्ट मछली, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। देखते ही देखते वहां पर लोग आने लगे। अरे क्या गोपाल काका, अब बैम्बू फिश कब से बेचने लगे? लाओ एक प्लेट मुझे भी लाओ। वाह, लाजवाब है, मेरे दोस्तों को भी खिलाओ। ऐसा गोपाल दास का व्यापार अच्छा चलने लगा। हर रोज बैम्बू फिश खाने के लिए लोग आते थे, लेकिन कम मछलियां होने की वजह से जल्दी ही खत्म होने लगे। गोपाल दादा, ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? कम से कम 40 या 50 मछलियां तो होना चाहिए। देखो सभी लोग वापस जा रहे हैं। गोपाल दास को समझ में आ गया कि उसको ज्यादा मछलियां पकड़ना है। तुरंत अपना जाल लेकर नदी में चला गया। जब उसने जाल फेंका और खींचने लगा तो उसके जाल में एक जादुई जल कन्या निकली। जल कन्या तड़पता हुआ गोपाल को निवेदन किया। गोपाल काका, दया करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, मुझे जाने दो। तुरंत गोपाल उसको जाल से रिहा करता है। गोपाल काका, मुझे मालूम है कि तुम बूढ़े हो गए हो और शिकार नहीं कर पा रहे हो। ये लो एक जादुई बर्तन, इस जादुई बर्तन को लेकर नदी के पास रखो, बस मछलियां अपने आप इस बर्तन में आकर गिरेंगे। जल कन्या ऐसा बोलकर गायब हो गई। गोपाल उस जादुई बर्तन को लेकर नदी के बाजू में ही रखा। बर्तन रखते ही बहुत सारे मछलियां उस बर्तन में अपने आप आकर गिरने लगे। गोपाल उनको लेकर बैम्बू फिश बेचने लगा। जब भी मछलियां खत्म होते थे उस बर्तन को नदी के पास लाकर ढेर सारे मछलियां लेके जाता था। जल्दी ही गोपाल पैसे कमाकर एक बड़ा होटल भी खोलता है। कमला के पति चंद्रा के देहांत के बाद उसकी बेटी चंपा की सारी जिम्मेदारी कमला पर ही पड़ती है। कमला रोज भर मजदूरी करके चंपा की देखभाल करती है। चंपा बचपन से ही लंगड़ी थी, इसीलिए चंपा बैसाखी का सहारा लेकर ही चलती थी। स्कूल में उसे सभी बच्चे लंगड़ी लंगड़ी करके चिढ़ाते थे। अरे क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, स्कूल में मुझे सभी लोग लंगड़ी लंगड़ी करके चिढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना है माँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं तुम्हारी इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तो क्या मैं बाकी के बच्चों की तरह चल सकती हूँ माँ? अरे चलना क्या, तुम दौड़ भी सकती हो, नाच भी और खेल भी सकती हो। ऐसा कमला चंपा को शहर में एक अच्छे अस्पताल लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर चंपा को देखकर ऐसे बोले, अरे चंपा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, कमला बहन चंपा को एक ऑपरेशन करवाना है, बस उसके बाद वह चल सकेगी, लेकिन। बोलिए डॉक्टर साहब, आप रुक क्यों गए हैं? कुछ नहीं,
उसके लिए कम से कम 10 लाख की जरूरत होगी। ये बात सुनकर कमला और चंपा वहाँ से निकल जाते हैं। कमला चिंता में पड़ जाती है कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। एक दिन वह नौकरी की तलाश में घूमती रहती है। इतने में तेजी से एक कार आकर कमला को टक्कर मार देती है और चली जाती है। लेकिन कमला जाकर रोड के बाजू में एक कूड़े के डब्बे के पास जाकर गिरती है। हे भगवान, मेरी कमर, आह, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मैं अपने बेटी का इलाज कैसे करवाऊंगी, आह। इतने में कमला देखती है कि उसकी हाथ वहां पर पड़ी एक जादुई हीटर पर पड़ती है, और जैसे ही उसकी कांच की चूड़ियां उस हीटर को छुआ, वह कांच की चूड़ियां सोने की हो जाती है। ये देखकर कमला हैरान रह जाती है। तुरंत उस जादुई हीटर को लेकर अपने घर आ जाती है। उसको एक टेबल पे रखकर चंपा को बुलाती है। अरे चंपा, ये देखो, ये कोई जादुई हीटर लग रही है। मेरी कांच की चूड़ियां इसको लगकर सोने की बन चुकी हैं। क्या? हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। तुम जाकर कुछ और चीजें लाकर उस पर रखो। ऐसा ही कमला कुछ बर्तन और कुछ पत्थर लाकर उस हीटर पर रखती है। देखते ही देखते सारे चीजें सोने की बन जाती हैं। तुरंत कमला उन्हें लेकर बाजार के सोने की दुकान में बेचकर पैसे लाती है। और ऐसा ही कुछ ही दिन में चंपा के ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद चंपा चलने लगती है। उसी तरह उस जादुई हीटर के साथ दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। वन व्हील मोटरसाइकिल चैलेंज। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। देवनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपन्ना करके एक आदमी था। गोपन्ना एक कारपेंटर था और वह अपने पत्नी शीतल और बेटा अनिल के साथ रहता था। अनिल एक बेकार और निकम्मा आदमी था। वह जब भी देखो अपने बाइक पे घूमता था और अपने दोस्तों के साथ जुआ और दारू पीता था। सुनो जी, हमारा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। रोज दारू पीकर बाइक भी चला रहा है। अगर मैं पैसे नहीं दूं तो घर से कुछ न कुछ ले जाकर उसे बेचकर जुआ खेल रहा है। शीतल, जाने दो, वह छोटा बच्चा है। मुझे वह कॉलेज जाने के लिए पैसा पूछ रहा है और वह उन्हीं पैसों से शराब पी रहा है। अगर ऊपर वाले ने दया की, उसमें जरूर बदलाव आएगा और वो भी अपने जिंदगी का जिम्मेदारी समझ जाएगा। एक दिन शीतल खाना पकाते पकाते चक्कर आकर नीचे गिर गई। तुरंत उसको एम्बुलेंस में अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर शीतल को जांच करके ऐसे बोले, गोपन्ना देख लो, अपने बीवी को जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना है, नहीं तो इसकी जान को ही खतरा है। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर जी? कम से कम 5 लाख होंगे, लेकिन जो कुछ भी करना है जल्दी करो, बाद में पछता कर कुछ नहीं होगा। जब शीतल और गोपन्ना घर आए तभी अनिल ने बोला, अरे बापू, माँ की ऑपरेशन बाद में कर सकते हो, पहले मुझे पैसे चाहिए, मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं। अरे नालायक, अपनी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुमको जाकर ऐश करना है क्या? वैसे भी अम्मी की टाइम हो चुकी है बापू, कुछ फायदा नहीं है। ऐसा अनिल दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला गया। आते वक्त दारू के नशे में उसके बाइक को एक दीवार से टकरा देता है। एक्सीडेंट में उसकी बाइक 2 हिस्से में टूट जाता है। उन सारे टुकड़ों को ऑटो में लेकर घर जाता है। अरे ये क्या है बेटा, तुम्हारा बाइक 2 टुकड़े हो गए हैं, अभी इसको ठीक कैसे करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता बापू, मुझे बाइक चाहिए बस, इसे जल्दी ठीक करवाओ। बेटा जरा समझो, अभी तुम्हारा अम्मी की ऑपरेशन भी करवाना है ना? अरे मैं क्यों समझूं? हट, मैं इस घर में अब नहीं रहने वाला, नालायक बाप और बीमार अम्मी, हाँ, मैं निकल रहा हूँ, गुड बाय।
ऐसा अनिल घर से बाहर चला जाता है। तभी एक आदमी ऑटो में ऐलान करता हुआ उसके घर के सामने से गुजरता है। गांव वालों सुनो सुनो सुनो, कल गांव में एक ग्रेट बाइक चैलेंज का आयोजन किया गया है। जो भी भाग लेकर जीतेगा उसको 10 लाख ही इनाम मिलेगा। आइए आइए भाग लीजिए ग्रेट बाइक चैलेंज। जब ये बात गोपन्ना ने सुना, तुरंत उस टूटी हुई बाइक को लेकर एक सुंदर एक पहिए वाला बाइक में बदल देता है और उसी को लेकर बाइक रेस में भाग लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। जब रेस शुरू हुआ, गोपन्ना एक ही झटके में रेस जीत जाता है। सभी लोग गोपन्ना का एक पहिए वाला बाइक को देखकर दंग रह जाते हैं। जो पैसे उसने रेस में जीता उसको लेकर अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी करवा देता है और बाकी के पैसों से आराम से जीने लगा।